गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज मैट्रिक्स एंड मैट्राइसेस। वी विल सी हाउ इट विल वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट और इट इज जस्ट अ सिस्टम विच वी आर गोइंग टू डील विथ। एंड मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स और मैट्राइसेस इज अ सिस्टम। दिस इज जस्ट अ सिस्टम। इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट पढ़े हैं और डिटर्मिनेंट में जिस तरह से वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं, उसका कुछ वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट का, तो उस तरह का चीज़ नहीं है। ये जस्ट एक सिस्टम है, ये एक अरेंजमेंट है। एक नंबर्स वहाँ पर जो है फीड किया जाता है, या कोई भी चीज़ जो हमको दिया जाता है उसे हम वहाँ पर फीड करते हैं एक सिस्टम पर, और इस तरह से जो है हम मैट्राइसिस पढ़ते हैं। ये कोई एक वैल्यू नहीं है, ये जस्ट एक सिस्टम है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये भी है कि इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और अरे ऑफ नंबर और फंक्शंस जो आपको दिया जाता है। तो इसकी मैट्रिक्स की डेफिनेशंस इस तरह से जो है हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैट्राइसेस इज जस्ट सिस्टम। एक सिस्टम है, किसी तरह से काम करता है। कैसे काम करता है, वी विल सी दैट आल्सो। एंड ये इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे और अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शंस। तो ये किस तरह से होता है, तो इसे जो है जनरली एक स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, इस तरह का जो ब्रैकेट होता है, इस पे जो है हम अरेंजमेंट करके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड 4, 5, दिस इज 6, दिस इज, कोई भी नंबर ले सकते हैं। दिस इज फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल -7, 8 एंड -9 लेट अस से। तो ये जो है एक मैट्राइसेस है, इसका ऑर्डर जो है 3x3 है, या हम कहें ये क्या है, इसका ऑर्डर है। ऑर्डर मीन्स क्या है, इस पे जो है नंबर ऑफ रोज कितने हैं। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, देयरफोर इट हैज 1, 2 एंड 3 रोज। दिस इज रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। सिमिलरली हम यहाँ पर भी देखते हैं, दिस इज column 1, दिस इज column 2 एंड दिस इज column 3, दिस इज column 1, दिस इज column 2, दिस इज column 3। तो हमारे पास ये 1, 2 एंड 3 थ्री कॉलम्स है, थ्री रोज है, दैट्स वाई इट इज 3x3। हम इसे ऑर्डर को कभी भी ऐसा नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग अप्रोच, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको जो है क्या करना है कि इट हैज़ टू बी राइट लाइक दिस ओनली, इन दिस मैनर। ये जो है इसी मैनर पे ही हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा, तब जा करके हम ये इसको डिफाइन कर पाएंगे कि ऑर्डर को ऑलवेज 3x3 या 4x3 जो भी है इस तरह से लिखा जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। समटाइम्स सम पीपल यूज टू डिफाइन मैट्रिक्स इन सच टाइप ऑफ ब्रैकेट्स आल्सो। ये ब्रैकेट है तो इसी पे ही वो डिफाइन कर लेते हैं, 1, 2, 3, 5, 4, 6 से -9, 3, 2। ये एक 3x3 का ये भी क्या है, मैट्राइसेस है। तो ये मैट्रिक्स को हमने देखा कि किस तरह से ये होता है। ऑल्सो इट कैन बी डिनोटेड एज, डिनोटेड एज कैपिटल लेटर ए,
कैपिटल लेटर ए से हम इसको जो है क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसको जो है साथ में इससे भी डिनोट किया जाता है, ये आई एंड जे, इफ यू कैन सी दिस इज आई एंड जे। अच्छा, ये आई एंड जे, या फिर हम इसको जो है एक एग्जांपल से लेते हैं और फॉर बेटर वन, ए एम क्रॉस एन, तो ये आई क्या है, रो को डिफाइन करता है, या एम जो है क्या करता है, रो को डिफाइन करता है, वेयर एज एन को कौन सा क्या डिफाइन करता है, ये कॉलम को डिफाइन करता है, कॉलम को, नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज दिस एम इज नंबर ऑफ रो एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम। इसको जो है हम अगर आगे डिफाइन करना चाहें तो हम इसे फर्दर इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, लेट अस सी, ए कैन बी डिफाइंड एज ए आई जे, यहाँ पर एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन इस तरह से डिफाइन किया जाता है, और यहाँ पर जो है ये कम्प्लीटली ये वाला टर्म जो है ए स्मॉल लेटर ए आई जे, ये कंप्लीट एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है, इस पे सारे के सारे एलिमेंट्स जैसे इस तरह से हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स इसी के उस पे जो है डिफाइन किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए वन टू अगर इस तरह से लिखा जाए तो इसे हम जो है बता सकते हैं, वन टू इज फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो, एंड टू इज सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में हमको ये वाला नंबर जो है दिखाई दे रहा है, सो इन द अबव एग्जांपल वी कैन कंसीडर ए वन टू इज नथिंग बट टू ओनली। इसको जो है इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये उसके एलिमेंट्स हो गए। नोट, नोट, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस आर रियल, देन मैट्रिक्स इज रियल मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स, ओके। नंबर, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स is given by m cross n, or m into m, better I say m into n, why, because number of row and number of column ये जितने होंगे उसको हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमको जो है वहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें 3 into 3, टोटल जो है हमारे पास 3 into 3 is 9, but we cannot write the order in the form of 9, but we need to write in फॉर्म ऑफ 3 cross 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे, 9 होंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दिस इज 9 एलिमेंट्स जो है यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, सो इट इज लाइक दैट। लेट अस एग्जांपल और लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 8, देन फाइंड डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स। सो हम ऐसे सिचुएशंस पे हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है, तो उतने
या हम कहें कि फैक्टर्स इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके डिवाइजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम इसके डिवाइजर्स फाइंड आउट करेंगे 8 के, तो हमको जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी नज़र आएगी कि हम किस तरह से इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो वी विल सी कि हम जो है किस तरह से जो है उसको कर सकते हैं। सो 1 × 8, एक ये इसके डिवाइजर्स हैं 1 और 8, दूसरा है 2 × 4, एंड फिर उसके बाद होगा 4 × 2 एंड 8 × 1। ये जो है इतने पॉसिबल ऑर्डर्स के जो है क्या होगा मैट्रिक्स जो है पॉसिबल होगा, जो हम 8 एलिमेंट्स कैरी करके हम इतने, दैट मीन्स दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो 4 मैट्रिक्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। अगर ये कहा जाए इसी पे आगे, अगर 12 एलिमेंट्स हो, 12 एलिमेंट्स, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, देन 6 × 2 एंड 12 × 1। सो देर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे, 6 मैट्रिसेस बनेंगे जिसपे 12 एलिमेंट कैरी करता हो। अगर जो है इसी को एक छोटा एग्जांपल और लिया जाए, और ये छोटा एग्जांपल ये होगा कि अगर आपको जो ये कहा जाता है 360 एलिमेंट्स ले करके जो है आपको क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो ऐसे कितने पॉसिबल मैट्राइसेस अवेलेबल होंगे जिसमें 360 एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो क्या बनेगा, वी कैन राइट 4 × 9 × 10, डेफिनेटली ये ऐसे ही इसका करेंगे। फिर हम इसको कर सकते हैं 8 × 9 × 5, और बेटर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2³ प्लस 3² प्लस 5⁵। ये इस तरह से जो है हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पावर्स के नंबर्स में प्लस ऐड करते हैं। लेट अस से पी प्लस हेयर, इफ पी इक्वल टू 3, क्यू इक्वल टू 2 एंड आर इक्वल टू 1, देन वी कैन फाइंड आउट एस पी प्लस 1 × q + 1 × r + 1। इतने जो है उसके क्या होंगे, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स के जो है ये मैट्रिक्स बन जाएगा। सो हेयर पी इज 3, सो दिस इज 4 × q = 2, हेयर इज q, तो ये क्या बन जाएगा 3 × r = 1, सो r 1 + 1 = 2, सो यहाँ पर क्या बन जा रहा है 24। तो अगर इतने एलिमेंट्स को ले करके हम जो है क्या करें, मैट्रिक्स अगर फ्रेम करें, तो हमारे पास वैसे टोटल इतने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं कि हम 24 मैट्राइसेस बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 2 सच दैट aij इक्वल टू i − 2j डिवाइडेड बाय 2, एंड इन दैट टू दिस शुड बी इन मॉड। तो हम जो है क्या करें कि
यहाँ पर हमको ऑर्डर दिया हुआ है 3x2। इस ऑर्डर पे हमको जो है इसको कंस्ट्रक्ट करना है, और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम aij इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले aij फर्स्ट, ये इसको अगर हम कहें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये कहें कि a11 मींस i इक्वल टू 1 होगा, j इक्वल टू 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 एंड दिस इज -2, दिस विल गिव -1, -1/2, -1/2, और जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर मॉड है इसलिए क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 द एलिमेंट 1 2, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, और इस तरह से जो है ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 4, तो 1 -4 विल गिव यू -3/2 विल गिव यू 3/2। देन अगेन 2 1, दिस इज 2, दिस इज 1, सो इट विल बिकम 2 - 2 इज 0, 0/2 इज 0। देन दिस इज 2 2, दिस इज 2, दिस इज 2, सो ये बन जाएगा 2 - 4 विल गिव यू -2, -2/2 विल गिव यू 1। वाई वी आर डायरेक्टली टेकिंग पॉजिटिव और निगेटिव, वी आर नॉट कंसिडरिंग बिकॉज ऑफ मॉड ओनली, दिस इज -1, मॉड के कारण से वो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ओके, देन अगेन 3 1, तो आई इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज 1/2 अगेन। 3 2, दिस इज 3, दिस इज 2, 3 - 4 विल गिव यू -1, एंड -1/2 विल गिव यू 1/2, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Let us note down some definitions. First one, row मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? विच हैज ओनली वन रो। फॉर एग्जाम्पल a1 a2 a3 a4, तो यहां पर हम देख सकते हैं दिस इज ओनली वन एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, सो दिस इज 1 × 4, यहाँ पर ये है। हम इसको अगर जनरलाइज करें तो ये हो सकता है इसके ऑर्डर की पे हम बात करते हैं, ऑर्डर क्या होगा 1 × n होगा, एंड वेयर n cannot be 1, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये जो है क्या बनेगा, रो मैट्रिक्स बनेगा। सेकंड वन, ये कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, जब हम रो मैट्रिक्स को डिफाइन कर पा रहे हैं वन रो, तो कॉलम मैट्रिक्स भी हम उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वन कॉलम। तो वन कॉलम अगर होगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं a1 a2 a3 a4, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि दिस इज क्या है, एक कॉलम है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4, सो 4 × 1, इसके ऑर्डर जो है क्या हो गया 4 × 1, और हम इसको अगर जनरलाइज करें तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है n × 1, या बेटर आई राइट m × 1, वेयर m इज नॉट इक्वल टू 1, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड वन, जीरो मैट्रिक्स, और इसको जो है हम दूसरे क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है इसे, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और इसके बारे में जो है एग्ज़ाम पे पूछा जाता है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स का यूज़ हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और इसके हिसाब से ही देखते हैं आगे क्या होता है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इसको डिफाइन करेंगे ऑल एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर जीरो,
जैसे कि अगर कहें ए टू क्रॉस थ्री का अगर मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ तो मुझे क्या बनेगा, वन टू थ्री, क्योंकि ये टू रो होगा तो ये इस तरह से बनेगा एंड कॉलम इस तरह से बनेगा और ये जो है बन गया। इसको हम जो है कैपिटल लेटर ओ से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ओ से भी इसको डिनोट किया जाता है। अगर कैपिटल लेटर ओ लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड होता है कि वो नल मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स को जो है डिफाइन किया जा रहा है। ओके सो विल चेंज द शीट अगेन। हाँ सो डेफिनेशंस पे हमने ये देखा था, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, फोर्थ वन हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। किसको बोलेंगे भाई हॉरिजेंटल मैट्रिक्स? लेट अस से एग्जांपल और मैट्रिक्स ए, वील कंसीडर दिस मैट्रिक्स एम इनटू एन और वेयर एन इज ग्रेटर देन एम, या फिर हम एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं टू क्रॉस थ्री का, जैसे कि हमने यहाँ पर एन को बड़ा लिया है, इससे एन इज ग्रेटर देन एम, सो हमने यहाँ पर एन को ग्रेटर किया है टू से। सो अब हम जो है इसको अगर हम फ्रेम करें तो वन थ्री वन देन टू टू फाइव, कोई भी एक एग्जांपल है, ठीक है। जब हम इसको देख रहे हैं तो इसका ओरिएंटेशन जो है एक तरह से हमें हॉरिजेंटल सिम्स टू बी हॉरिजेंटल है ना, तो इसलिए इसको हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोला जाता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज रो मैट्रिक्स इज ऑल्सो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक है। फिफ्थ, जब हम हॉरिजेंटल के बारे में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल स्टडी वर्टिकल मैट्रिक्स ऑल्सो। वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन वेयर एम इज ग्रेटर देन एन, वेयर एम इज ग्रेटर देन एन। ए थ्री क्रॉस टू अगर मैं कोई मैट्रिक्स कंसिडर करूं तो ये कैसे बनेगा, वन टू थ्री वन टू टू, ये इस तरह से यहां पे वन टू थ्री रोज हैं, वन टू टू कॉलम्स हैं, सो दिस इज थ्री क्रॉस टू मैट्रिक्स। और यहाँ पर ये वर्टिकल ओरिएंटेशन पे हमको नज़र आ रही है, ये देखिए ये हॉरिजेंटल है वेरेस ये वर्टिकल है, तो इसको हम वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि कॉलम मैट्रिक्स इज आल्सो वर्टिकल मैट्रिक्स, तो इस तरह से जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सिक्स्थ वन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन सच दैट एम इज इक्वल टू एन, मतलब ये हो गया कि जब एक मैट्रिक्स को हम कंसीडर करते हैं जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, वहां पर हम ये कहते हैं वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके लेट अस कंसीडर, अगर ये एम इक्वल टू एन है तो यहां पर हम जो है इसको लिख सकते हैं एम क्रॉस एम जनरलाइज अगर मैं करूं तो, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एन क्रॉस एन, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं थ्री क्रॉस थ्री। लेट अस एग्जांपल ऑफ थ्री क्रॉस थ्री, तो ये कैसा लिखा जाएगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा वन टू थ्री नाइन सेवन एट माइनस फाइव टू थ्री, ये इस तरह से हमने बनाया और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के दोनों जो है क्या है सेम है, तो इसलिए ये क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नाउ इन दिस पॉइंट नंबर सिक्स वी विल कंसीडर अगेन, नोट इट डाउन फर्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द स्पेशल काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर।
सो वी विल कंसीडर फर्स्ट वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर, जो भी आप कंसीडर करें। अगर इसके मतलब क्या हो गया कि अगर आपका ऑर्डर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हो गया, इसका ऑर्डर है 3x3, तो इसका ऑर्डर अगर 3x3 है तो हम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइंड आउट करें, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। सो दिस इज अवर आंसर, लाइक दैट यू हैव टू फाइंड आउट। देन पॉइंट नंबर टू, दैट इज बी, स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल पॉजिटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड पॉजिटिव मैट्रिक्स। पॉइंट नंबर सी, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। Example, let us consider this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 1, 2, 1, 1. So, this is, let us consider this as our diagonal, and definitely this is diagonal, we will come to later on in this topic also. So ये जो है ये another diagonal है, but we will consider this as our principal diagonal, we will come to that point also. अच्छा, ये देखा जाए कि a 1 2, तो a 1 2 क्या होगा, ये 1 2, ये 2 ये वाला element हो गया, a 1 2 is this one, a 2 1 is this one, ये रिफ्लेक्स कर रहा है एक दूसरे को। अगर मैं कंसीडर करूं दिस इज नथिंग बट ए 2 3, तो ए 3 2 किसको कंसीडर करेंगे, ये होगा। अगर मैं जो है इसे कंसीडर करता हूं, ये क्या है, ए 3 4, तो हम जो है यहां पर ए 4 3 कौन सा होगा, ये होगा, 1 मिनट, दिस इज ए 2 4, दिस इज ए 2 4, दिस इज ए 2 4, सो यहाँ पर ये जो है क्या होगा, ये 4 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सिमिलरली जिस तरह से हमने लिया हुआ है, ये रिफ्लेक्स कर रहा है, और ये रिफ्लेक्स इसीलिए कर रहा है, तो इसलिए इसको जो हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी, अभी सारे के सारे चीजें जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही बातें हो रही हैं, ठीक है। ए आई आई इज डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये सारे डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल जो कंसीडर किया था उस पे हम 1 2 3 4, देन 5 6 7 8, देन 9 9 10 11, देन 1 2 1 1, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पे ये रेड कलर पे हम जो मार्किंग कर रहे हैं, तो ये जो है क्या है, दिस इज डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, और डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। व्हाई, बिकॉज क्योंकि आई आई दैट इज 1 1, ए 2 2, ए 3 3, ए 4 4, तो इस तरह से जो ये एलिमेंट्स है ये क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स बन जाते हैं।
नाउ कंसीडर द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल. प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, ठीक है. तो इसको ही बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है, ये डायगोनल जो है उसे ही प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल बोला जाता है. ये डायगोनल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसको दिस इज अनदर डायगोनल, बट वी विल नॉट कंसीडर दिस एज अ डायगोनल. लेटर ऑन वी विल अंडरस्टूड व्हाई दिस इज नॉट कंसीडर्ड एंड व्हाई दिस आर दिस रेड बॉक्स एलिमेंट्स आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स. ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स को ये ऐसा भी डिफाइन किया जाता है ये. और यहाँ पर ये लिखा जाता है कि समेशन ऑफ ए आई आई, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो सबका जो है हम क्या करें, समेशन कर दें. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखते हैं इन इन द अबव एग्जांपल, सो इट विल बिकम 1 + 6 + 10 + 1 विल गिव यू 18. सो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ द अबव एग्जांपल इज 18. अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स पे हमने बहुत सारे चीज़ें लिखा हुआ है एंड थोड़ा सा और देखते हैं. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स. हाँ, तो इसको जो है दो तरीके से जो है हम डिफाइन कर पाएंगे. फर्दर मोर अभी तक हमने जो देखा उसके अलावा ये भी चीज़ें हैं, इसको जो हम डिफाइन करेंगे ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. एंड दूसरा जो होगा वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी एक जो होगा वो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर होगा एंड दूसरा जो होगा वो क्या होगा, अपर. ऑब्वियसली लोअर है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अच्छा, ये कैसे होता है, वी विल सी दैट. If a I j is equal to 0 for all elements when I is greater less than j, वैसे condition पे ये क्या होता है कि बन जाता है lower triangular matrix. We will see that. मतलब ये हो गया कि 1 0 0 यहाँ पर 4 2 0 एंड दिस इज 5 6 दिस इज 3. तो एक तरह से देखा जाए तो ये लोअर साइड पे हमको एक एलिमेंट्स का दिख रहा है, ये इस तरह से एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है लोअर साइड पे. इन कंप्लीट अगर हम मैट्रिक्स को ध्यान दें तो ये मैट्रिक्स के लोअर साइड पे ये ट्रायंगल नज़र आ रही है. तो इसीलिए वाई बिकॉज क्योंकि आई इज लेस देन जे. तो यहाँ पर जो है आई क्या है, आई यहाँ पर इस एलिमेंट की बात करें दिस इज 1 2, तो यहाँ पर आई इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू 2 है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. यहाँ पर जो है अगेन 1 3 है, यहाँ पर अगेन दिस इज 2 3, तो इस वजह से यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 हो जाएगा. सिमिलरली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पे क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर All the elements which have I is greater than j. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा 1 2
थ्री ज़ीरो फोर फाइव ज़ीरो ज़ीरो सिक्स। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से एक ट्रायंगुलर फ्रेम हमको नज़र आ रहा है। हालांकि इस तरह से हम कभी भी ड्रॉ नहीं करते हैं, ये कभी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल और कहना चाहिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये ड्रॉ कर रहा हूँ। जिस तरह से मैट्रिक्स हमने स्टार्टिंग पे जब देखा कि वन टू थ्री ज़ीरो फोर फाइव ज़ीरो ज़ीरो सिक्स, उसको देख करके ही समझ में आ जाता है कि ये जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगेन इट हैज़ टू पोर्शंस, वन इज स्केलर मैट्रिक्स एंड अनदर वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स इज से डायगोनल डी वन इज इक्वल टू डी टू इक्वल टू डी थ्री इक्वल टू, ये जो है जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जो है क्या हो जाएंगे, लेट अस से दिस इज इक्वल टू ए एंड ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, तब जा कर के होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर ले लें इस तरह से, तो ये जो है क्या होगा, ए ज़ीरो 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 ए ज़ीरो 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 ए। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स है, वेयर एज़ यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, जब ए ए ए सारे सारे एलिमेंट्स जो है यहाँ पर क्या है सेम है इस डायगोनल पे, अपर साइड पे और लोअर साइड पे सारे एलिमेंट्स क्या है ज़ीरो ज़ीरो हैं। तो ये इस तरह से जो है बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ये जो है हमने एग्जांपल लिया है थ्री क्रॉस थ्री का, यहाँ पर भी हम एग्जांपल ले रहे हैं थ्री क्रॉस थ्री का, जो ऑर्डर है इसका थ्री क्रॉस थ्री है, इसका भी ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री है। यहाँ पर हो सकता है nth ऑर्डर का जो है एलिमेंट जो है nth ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसके लिए भी ये वैलिड है। यहाँ पर क्या होता है, सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे डायगोनल्स जो होते हैं डी वन इक्वल टू डी टू इक्वल टू डी थ्री इक्वल टू एंड सो ऑन अप टू डी एन, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे वन होते हैं, दिस ऑल आर वन। और यहाँ पर हमने थ्री क्रॉस थ्री लिखा हुआ है तो इसलिए हमने सिर्फ तीन इस पे जो है ऑर्डर के जो है मैट्रिक्स हमने देखा है, सो इट इज़ लाइक दैट। वन मोर थिंग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से, कैपिटल लेटर आई से डिफाइन किया जाता है या डिनोट किया जाता है, और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्डर थ्री बाई थ्री है, तो इसको जो है ये इस तरह से डिफाइन करेंगे आई थ्री। अगर आई फोर अगर लिखा गया है दैट मीन्स वो मैट्रिक्स होगा फोर बाई फोर का, अगर आई ट्वेल्व अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स वो मैट्रिक्स होगा ट्वेल्व बाई ट्वेल्व, ऑर्डर क्या होगा ट्वेल्व बाई ट्वेल्व इसका जो है मैट्रिक्स हो मैट्रिक्स होगा, ये ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा 12 बाई 12 का। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने होंगे 12 होंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे 12 होंगे, डायगोनल में 12 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह से जो है हमको जो है ये पता चलता है कि ये किस तरह से जो है होगा। यहाँ पर हमने देखा कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इस पे जो है कितने हैं, थ्री रोज हैं थ्री कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डायगोनल इज ऑल्सो थ्री एंड इसके ऑर्डर थ्री हैं। तो इस तरह से जो है हम इस पे कर सकते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। और बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन वन मोर थिंग, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम कंसिडर करेंगे ए दैट इज ए आई जे, एंड दूसरा मैट्रिक्स हम कंसिडर करते हैं बी आई जे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए कि इसका जो है
ऑर्डर, इट शुड हैव सेम ऑर्डर, दोनों ए मैट्रिक्स ए एंड बी शुड हैव द सेम ऑर्डर, देन ओनली वी कैन कंसीडर फॉर इक्वालिटी. फर्स्ट थिंग इज दिस वन. सेकंड थिंग, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स, मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स एंड करस्पॉन्डिंग टू द बी के सारे एलिमेंट्स, तो वो दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. यहाँ पर वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है, तभी जा करके हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो है इक्वल होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल 2301, ए इक्वल टू ये है एंड बी इक्वल टू 2301, तो हम कह सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है, मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है, 0 0 1 1, तो ये जो है ए इज इक्वल टू बी, ऐसा हम बोल सकते हैं. ठीक है, लेट अस कंसीडर वन सी, एक मैट्रिक्स और कंसीडर करते हैं जहाँ पर ये 3 2 0 1. अब ए इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू सी, वाई, बिकॉज 2 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर क्या है 3 2 है, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है ये ए इज नॉट इक्वल टू सी एंड ऑल्सो बी इज नॉट इक्वल टू सी. तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम ऑर्डर कंसीडर करते हैं, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम चेक करते हैं कि वेदर दे आर द सेम और नॉट. अगर वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है, इक्वल है, तो हम जो है वहाँ पर कहते हैं कि दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल. सो लेट अस कंसीडर वन क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, 2a + b, a - 2b, 5c - d एंड 4c + 3d. ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पर इक्वल टू के साइन के साथ में एक अलग मैट्रिक्स और दिया हुआ है, 4 - 3 - 11 एंड 24. तो इस तरह से जो है मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है. अगर ये इक्वल टू का साइन है, इक्वालिटी हम बता रहे हैं, तो दैट मीन्स डेफिनेटली वी विल बी हैविंग 2a + b = 4 एंड a - 2b = -3. अगेन यहाँ पर हम देखेंगे 5c - d इज इक्वल टू 11 एंड 4c + 3d = 24. तो इस तरह से है. ऑन सॉल्विंग दिस टू दिस फोर इक्वेशंस वी कैन हैव a = 1, b = 2, c = 3 एंड d = 4. सो ये इक्वेशन सॉल्व करना आप सभी को आता है, बिल्कुल आप कर सकते हैं. सो होमवर्क एक्सरसाइज 3.1 इज योर होमवर्क. कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डू आस्क. थैंक यू.